मथुरा के कृष्णा नगर में अब बिजली चोरी रोकने के लिए विद्युत थाने को स्थापित किया गया है। यह उत्तर प्रदेश का पहला थाना होगा जो कि ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा के विधानसभा क्षेत्र में है। इसको बिजली घर परिसर में 4 कमरों में स्थापित किया गया है। थाने में 5 उपनिरीक्षक, 9 हेड कांस्टेबल, 9 कांस्टेबल, 4 मुंशी सह कंप्यूटर ऑपरेटरों की नियुक्ति की गई है। ये निरीक्षक रणवीर सिंह के अंतर्गत कार्य करेगा। मथुरा पहले ही दिन थाने में 8 नए मामले दर्ज किए गए थे। राज्य सरकार एवं विद्युत विभाग इस मामले में पिछले 2 साल से कवायद कर रहा था। अब यह सब दिक्कतें दूर किए जाने के बाद बिजली थाने की शुरुआत हो गई है और नवादा के अवर अभियंता शैलेंद्र अग्रवाल ने अपने इलाके के 8 उपभोक्ताओं के विरुद्ध मुकदमे दर्ज करवाए हैं। गंगवार ने मीडिया से कहा कि इस प्रकार के विशेष थाने खुलने से विभागीय अधिकारियों के समक्ष उस प्रकार की स्थिति पैदा होने की संभावना कम होगी जैसे विशेष अदालत में सुनवाई के दौरान उस समय पेश आई थी जब पुलिस के जांच अधिकारी ने मामले गलत बता दिए थे। विशेष थाने को स्टाफ बिजली अधिकारियों के साथ मौजूद रहकर स्वयं तथ्य जुटाया जाएगा, तब चूक की गुंजाइश नहीं रहेगी। उन्होंने बताया कि पूरे जनपद के बिजली चोरी संबंधी सभी मामले यहीं दर्ज कराए जाएंगे और उनकी विवेचना का कार्य भी इसी थाने के उपनिरीक्षक करेंगे। विद्युत अधिकारियों को रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए एक दूसरे थाने में दौड़ने की जरूरत नहीं है। सर बताएं, विद्युत विभाग के द्वारा आज कहाँ छापेमारी की गई है, क्या कुछ पाया? एक्चुअली MD मैम के आदेशानुसार गांव कोसी खुर्द में एक अभियान चलाया गया, उसमें कैंप आयोजित किए गए हैं CSC सेंटर्स पे और उसके अनुपालन में आज 138 बी में मतलब बकायेदारी में पहले कनेक्शन काटा था, उसके बाद फिर दोबारा से उनका जुड़ा हुआ मिला है, तो उस संबंध में 13 FIR दर्ज कराई गई है। बाकी कुछ विद्युत चोरी जो डायरेक्ट सीधी विद्युत चोरी में तकरीबन 7-8 FIR दर्ज कराई गई है। ये एक्चुअली हफ्ते में 3 दिन चलेगा और हर गांव में लगना है ये कैंप, और कैंप के साथ साथ मीटर बदलने का कार्य और जो विद्युत चोरी में जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का जो काम रहेगा वो शीर्षता पर रहेगा। आज जो कौन से गांव में किस जगह पर जो पकड़े गए हैं? आज का जो कैंप था वो कोसी खुर्द गाँव है, उसमें कैंप था, उसमें 13 लोगों की FIR दर्ज कराई गई। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।